हेलो एंड वेलकम दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2021 का तीसरा टेस्ट मैच जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है, जहां पर इस मैच की प्लेइंग 11 और टॉस का ऐलान हो गया है। जहां पर अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो उन्होंने टॉस को जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है इस तीसरे टेस्ट मैच के अंदर, जहाँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। टॉस को तो जीत लिया है टीम ऑस्ट्रेलिया ने और पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है। एंड इसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की, तो दोनों टीम्स के अंदर जो हैं वो बड़े बड़े नाम शामिल हैं। दोनों टीम्स की कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में आपको बता देता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो प्लेयर हमें बैटिंग करते हुए इस मैच के अंदर शामिल होते हुए दिखाई देंगे वो होंगे एज ए ओपनर डेविड वार्नर 84 मैचेस के साथ, विल पोकोवस्की का आज डेब्यू मैच होगा, और नंबर 3 की पोजीशन पर मार्नस लबोशैन जो है वो टीम ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा रहने वाले हैं। नंबर 4 पर स्टीवन स्मिथ को जो है वो टीम का हिस्सा रखा गया है। नंबर 5 पर मैथ्यू वेड टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। नंबर 6 पर कैमरन ग्रीम जो कि एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं वो खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। नंबर 7 की पोजीशन पर टीम पेन जो है वो दोस्तों का हिस्सा रहने वाले हैं एज ए विकेट कीपर एंड एज ए कैप्टन जो है वो दोस्तों खेलेंगी ये टीम ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। नंबर 7 की पोजीशन पर 8 की पोजीशन पर पैट कमिंस को टीम का हिस्सा रखा गया है। नंबर 9 पर मिचेल मार्श जो है वो टीम ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हैं। नंबर 10 की पोजीशन पर नेथन लॉयन को टीम के अंदर शामिल किया गया है, जबकि नंबर 11 की पोजीशन पर जोश हेज़लवुड जो है वो टीम ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हैं। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 रहेगी टीम ऑस्ट्रेलिया की। एंड इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो इंडिया की टीम के अंदर ओपनर ओपनिंग करेंगे एक नए ओपनर जिनका नाम है रोहित शर्मा। नंबर 2 की पोजीशन पर होंगे शुभम गिल जो कि हमें मैच के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 की पोजीशन पर चतेश्वर पुजारा। नंबर 4 की पोजीशन पर अजिंक्य रहाणे टीम के अंदर शामिल होंगे। 5 पर जो है वो हनुमा विहारी को टीम के अंदर शामिल किया गया है। नंबर 6 की पोजीशन पर ऋषभ पंत टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। 7 पर जो है वो हमें रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर प्लेयर खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद नंबर 9 की पोजीशन पर रविचंद्रन अश्विन, 10 की पोजीशन पर जसप्रीत बुमराह, 11 पर मोहम्मद सिराज और 12 की पोजीशन पर जो है वो नवदीप सैनी टीम का हिस्सा बनते हुए हमें दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये रहने वाली है इन दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 इस मैच के अंदर, जिसका आगाज़ अब से कुछ ही देर के बाद होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस को जीत लिया है और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया है इस मैच के अंदर।